नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको अपठित गद्यांश कैसे हल किया जाता है इसके बारे में आपको एक वीडियो बनाकर दे रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अपठित और गद्यांश ये दो पद हैं इस पूरे सामासिक शब्द में। अपठित का अर्थ होता है जिसे हमने पहले ना पढ़ा हो, पठित यानी पढ़ना, अपठित यानी जिसको हमने पहले नहीं पढ़ा हो। हम कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, कहानियां, नाटक, एकांकी ये भी पढ़ते हैं, और अगर उससे कोई अंश आया है तो वह अपठित गद्यांश नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको हमने कक्षा में पढ़ा है, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। लेकिन जिसे हमने अपनी कक्षा की पुस्तकों में नहीं पढ़ा, वो हम जब हमारे सामने आता है तो अपठित गद्यांश के तौर पर हम उसको लेते हैं। दूसरा जो पद है वो है गद्यांश, गद्य धन अंश, ये दो शब्दों से मिलकर ये दूसरा पद बना है। गद्य यानी जो पद्य का विलोम है, पद्य यानी कविता वाला, और गद्य यानी जिसमें हम कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि बोलचाल का जो हमारा तौर तरीका है, भाषा है वो, और अंश यानी उसका हिस्सा। तो अपठित गद्यांश का तात्पर्य हुआ गद्य का ऐसा कोई हिस्सा जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो ये उसका अर्थ हुआ। और अपठित गद्यांश हल करने के लिए परीक्षा में क्यों आता है? देखिए, जो पठित गद्यांश है वो भी परीक्षा में आता है, पठित पद्यांश भी परीक्षा में आता है, लेकिन इसके बारे में क्लासरूम में अध्यापक महोदय हमें बताते हैं, समझाते हैं, हम नोट्स तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारी जानकारी में है, तो उसमें जो आप लिखते हैं वो आप सीखा हुआ, जाना हुआ, पढ़ा हुआ लिखते हैं। तो आपकी जो व्यक्तिगत प्रतिभा है उसकी परीक्षा उसमें नहीं होती, बल्कि समझ की प्रतीक्षा होती है, परीक्षा होती है कि आपने उसको कैसे समझा, कितना समझा और कैसे अभिव्यक्त किया, कैसे लिखा, आपके पास शब्द भंडार कैसा है, उसकी परीक्षा है। अपठित गद्यांश और पद्यांश में आपकी व्यक्तिगत प्रतिभा की परीक्षा होती है कि क्या आप किसी भी कविता का, किसी भी गद्य का अंश पढ़ करके और उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसका अर्थ कर सकते हैं, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो ये इसका महत्व है। अब हम आते हैं कि इसको अगर हमको हल करना है तो हम इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला बात यह है इसमें कि जो भी हमारे सामने गद्यांश आया है, परीक्षा में आया है, प्रश्न पत्र में आया है, या हमने खुद अपनी परीक्षा लेने के लिए कहीं से, किसी और किताब से, पत्रिका से, अखबार से, उसके लेखों से कोई हिस्सा ले लिया है, तो हम सबसे पहले उसको सावधानी से पढ़ें, एक एक शब्द पर ध्यान दें, उसके भावों पर ध्यान दें, उसके अर्थों पर ध्यान दें, वो किस विषय पर केंद्रित है इसको हम हृदयंगम करें, तब आगे बढ़े। फिर दूसरा है कि जो कहा जा रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको पकड़ने की कोशिश भी हम करें, और अंत में उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी जरा इत्मीनान से पढ़ें, हड़बड़ी में ना पढ़ें, अन्यथा हम पढ़ेंगे कुछ, समझेंगे कुछ और हमारा उत्तर कुछ और होगा। तो ये सावधानियां इसके लिए बहुत आवश्यक है। अब हम आपको एक अपठित गद्यांश का उदाहरण सामने लेते हैं और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो मैं पहले आपको अपठित गद्यांश पढ़कर सुनाता हूं। बौद्ध शिक्षण पद्धति का आरंभ स्वयं बुद्ध ने सरल तथा जनमानस की भाषा में जीवन के तत्वों के उपदेश
तथा जगह जगह चर्चा करके की। लोगों को शिक्षित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रासंगिक उपमा, दृष्टांत एवं कथा को माध्यम बनाया। बुद्ध के बाद से बौद्ध शिक्षा पद्धति भी एक निश्चित स्वरूप संगठन के साथ हिंदू शिक्षा पद्धति से अलग स्वतंत्र शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित हुई। प्रारंभ में हिंदू तथा बौद्ध शिक्षा पद्धति के मूल में कोई विशेष अंतर नहीं था, किंतु बाद में आकर दोनों शिक्षा प्रणालियों के आदर्श एवं पद्धतियां विशेष रूप से उस पाठ्यक्रम में जो आम उपासक की बजाय बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए तैयार किया गया था बहुत कम समानता रह गई, यानी बड़ा भिन्नता हो गई, विभेद हो गया। बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ संस्कार ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार की भांति होता था। हिंदू धर्म में जब ब्राह्मणों का जो उपनयन संस्कार होता है उसके बाद उपनयन जनेऊ, उपनयन संस्कार के बाद उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, ऐसा ही बौद्ध धर्म में होता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए संस्कार आवश्यक थे। प्रथम था पवज्जा तथा दूसरा उपसंपदा। पवज्जा से उपासकत्व का आरंभ होता था। उपनयन की भांति इसे भी आध्यात्मिक जन्म कहा गया है। यह 8 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी। संरक्षक की अनुज्ञा इसके लिए आवश्यक थी। व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण को समय, शपथ और 10 धर्मादेश दिए जाते थे। ये शरण बुद्ध धर्म एवं संघ की होती थी और 10 धर्मादेश जो थे उनमें इन 10 बातों की मनाही थी। कौन कौन सी बातों की मनाही थी? पहला, पारिवारिक जीवन आपका नहीं होगा। ऐसी वस्तु ग्रहण करना जो दी ना हो, यानी जब तक कोई हमें कोई दे ना तब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं। तीसरा, अशुद्ध आचरण की मनाही, झूठ बोलना, मादक द्रव्यों का सेवन, असमय भोजन, नृत्य गायन, पुष्पमाला, इत्र गहने आदि का प्रयोग, उच्च आसन का प्रयोग और 10वां, सोना तथा चांदी की प्राप्ति। ये 10 चीजें तब तक के लिए मना थी जब तक कि आप बौद्ध धर्म में शिक्षा पाने का काम कर रहे हैं। अब हम इस पर प्रश्नों को देखते हैं। इसको पढ़ लिया, जान लिया, इसमें जो मूल भाव है वो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली कैसी है ये बताया गया है। हिंदू धर्म की शिक्षा प्रणाली से वह कितनी भिन्न है ये भी बताया गया। कौन कौन सी 10 बातें इसमें मना है वो भी बताया गया। तो लगभग इसका मुख्य मूल बिंदु हमने समझ लिया। अब आते हैं प्रश्न पहले पर। बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से किसे माध्यम बनाया जाता था? 4 उत्तर हैं। पहला प्रश्नोत्तर, दूसरा व्याख्यान, तीसरा कथा और 4था ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इन सभी विधियों का प्रयोग किया था। दूसरा है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? 4 शीर्षक हैं, सही शीर्षक चुनना है। पहला है बौद्धिक शिक्षा पद्धति, दूसरा है बौद्ध कालीन शिक्षा के विषय, तीसरा है बौद्ध कालीन प्रगति और 4था है बौद्ध शिक्षा पद्धति। तो ये 4था वाला उत्तर ही सही उत्तर है। तीसरा है, बौद्ध शिक्षा पद्धति में किसे आध्यात्मिक जन्म माना गया है? 4 उत्तर हैं। पहला अपवज्जा, दूसरा उपसंपदा, तीसरा ब्रह्मचर्य, 4था इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला, अपवज्जा।
चौथा है बौद्ध शिक्षा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, झूठा कथन कौन सा है। चार दिए हैं, पहला है 8 वर्ष की आयु के पश्चात ही विद्या आरंभ का संस्कार संपन्न किया जाता था। दूसरा, व्यक्ति को 3 प्रकार की शरण की शपथ दिलाई जाती थी। तीसरा है 10 धर्मादेशों की मनाही थी। और चौथा है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार अनिवार्य थे। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है कि इसमें बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 2 संस्कार अनिवार्य थे। अब पांचवा है, संरक्षक की अनुमति किसके लिए आवश्यक थी। इसके 4 उत्तर हैं, शिक्षा के आरंभिक संस्कार हेतु। दूसरा, व्यक्ति को वेद की शिक्षा देने के लिए। तीसरा, उपरोक्त दोनों। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है पहला, शिक्षा के आरंभिक संस्कार देने के लिए ही इसकी आवश्यकता थी। अब 6वां है, ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। 4 उत्तर हैं, पहला पवज्जा, दूसरा उपनयन, तीसरा उपसंपदा, चौथा उपासकत्व। सही उत्तर है उपनयन संस्कार के बाद ही हिंदू धर्म में ब्राह्मणों की शिक्षा शुरू होती थी। 7वां है, प्रासंगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय खोजना है, प्रासंगिक में प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। ये प्रसंग शब्द से प्रासंगिक बना है। तो इसमें 4 उत्तर हैं, पहला है गिक, दूसरा है प्र, तीसरा है इक और चौथा है प्रा, आ की मात्रा। सही उत्तर है तीसरा, एक, प्रसंग में एक लगा तो प्रासंगिक शब्द बना। और चौथा है धर्मादेश शब्द है, 4 उत्तर, संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया और चौथा सर्वनाम। तो ये है विशेषण, क्योंकि ये 10 आदेश हैं कौन से, धर्म के, ये विशेषता हो गई। तो इस तरह से हम अपठित गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ करके, उसके पहले गद्यांश को पढ़ करके, इत्मीनान से पढ़ करके, उसको समझ करके उत्तर देते हैं, तब हम अपठित गद्यांश हल करने में सफल हो जाते हैं। तो यह था अपठित गद्यांश पर आधारित हमारा वीडियो। हमने अपठित पद्यांश पर भी एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप झरोखा चैनल पर देख सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।